पेट्रोल है अपनी चरम सीमा पर, हो गया? चरम सीमा नहीं, बढ़ रहा है और। तो चरम सीमा पे मतलब कि वो एंड में आके रुक गया बस, मतलब कुछ ज्यादा ही है। अब हो गया है 108.99, मतलब 120 है। हा? किसने का? कभी सुना था मैंने, आप ड्राइविंग कर। 109। हाय फ्रेंड्स, आई मैं स्कूल से निकल चुकी हूँ। ये शक्ल देख लो, ये होती है टीचर की शक्ल स्कूल से निकलने के बाद। स्कूल से स्कूल में घुसने के टाइम में वो हीरोइनें बनी होती हैं, स्कूल में जाते ही चोटी बन जाती है, उसके बाद उनकी सारी हीरोइन गिरी निकल जाती है काम करने के बाद। तो स्कूल हो रहे हैं ऑफलाइन, मेरे स्कूल खुल रहे हैं 15 नवंबर से, राहुल के तो मंडे से बच्चे आने वाले हैं। हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं तो फेज में खोल रहे हैं, एक वीक का ब्रेक लेकर। क्या फर्क पड़ता है, तो अभी थोड़ा सा गैप लेकर के लेट्स सी, लेट्स सी कि कितना होएगा, उसके हिसाब से वी आर प्रिपेयर्ड। हमने प्लान बना लिया है, बेसिकली वी वांट टू नॉर्मलाइज, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हो या अगर आपको हम दिखाएं रोड पे विदाउट मास्क, विदाउट मास्क लड़की घूम रही है विदाउट मास्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, सब विदाउट मास्क घूमते हैं यहाँ पर। अमेजोन डिलीवरी कुछ मंगाया था, फोन आ रहा है। हेलो गाइस, ये मैं हूँ बिना मेकअप के, और ये मेरी बीवी है विद मेकअप। सो मैंने एक ये ऑयल मंगाया है जिसको बोलते हैं MCT ऑयल। Right now I'm not consuming any type of oil, मतलब oil मैं use ही नहीं करता हूँ, बहुत ही कम है। So this oil is very good, especially when you are खाने में डालेगा? नहीं, ये वैसे तड़का वड़का नहीं लगता इसका, ये वैसे ऊपर से डाल के खाया जाता है। It helps in weight loss, इसलिए मैंने इसको मंगाया। तो वर्जन वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है? क्या वो वर्जिन ऑलिव ऑयल का कुछ पता नहीं होता ना, कौन सा सही है कौन सा नहीं, वर्जिन जो होता है ना, मेरे को नहीं समझ आता, तो मैं वैसे भी ऑयल यूज ही नहीं करता। सो दिस इज MCT ऑयल, इसको बोलते हैं मीडियम चेन ट्रिग्लिसेराइड। दिखा इंग्लिश टीचर देखो, चेन ट्राइग्लिसेराइड, हाँ तो वही है। ये होता है कोकोनट ऑयल का ही एक वर्जन होता है, उसमें से भी ये कोकोनट ऑयल ही है। तो इसको और रिफाइन करके बनाया जाता है, एंड इट इज यूज फॉर इन कीटो डाइट्स बेसिकली। तो जब आप कीटो डाइट करते हैं, डाइट करते हैं और एक्स्ट्रा, मतलब आपका जो वर्क, तू पहले शोर मचा ले, तू मचा ले पहले शोर, जब आप अच्छा वर्कआउट करते हैं और वेट रिडक्शन करते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं अपना, सो उसके लिए दिस ऑयल इज वेरी गुड। तो मैंने मंगा लिया, अब इसको हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस, इस गरीब औरत ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है, ले लिया है इस गरीब औरत ने। दे दे लो ना, मेरा फ़ोन दो तुम पहले। तेरे फ़ोन से अच्छी व्लॉगिंग होती, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, पर अंधेरे में अंधेरा भी रहता है। सो राइट नाउ, अभी लंच करने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, लंच मतलब बनाने का ही मन नहीं है, तो करूँगा क्या। सो आई एम मेकिंग स्मूदी राइट नाउ, एंड फ्रूट्स है मेरे पास, एप्पल जिसको मैंने ऐसे छिल लिया है, और 2 बनाना डालूंगा, पीनट बटर डालूंगा, और बन जाएगी अपनी स्मूदी। थोड़े से बादाम वादाम वो सब हैं जो भी हैं, उसको डाल करके लेट्स मेक अ स्मूदी, और उसके बाद उसको पीते हैं। Finally, this smoothie is ready. Let's have a taste. What are you? You get it? Not one. Sunny, a bacha. Guess the taste is there. That's a taste. Good taste in here.
क्रैनबेरी सारी नीचे है। वैसे अभी के प्लान में स्कूल से आने के बाद जिम जाने का तो था पूरा पूरा सीन, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा। आई जस्ट टेक रेस्ट। क्यों मन नहीं कर रहा? ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? मैं टेस्ट और टेस्ट कह रहा हूँ, रेस्ट करूँ। क्यों? क्या क्यों? गर्दन खा अपनी। तुम क्यों? हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अगर मैं ऐसा आपसे व्लॉग में 50 बार ही बोलूँगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इरिटेटेड फील करोगे और बंद कर दोगे मेरा व्लॉग? तो कर देगी, जैसे कि बताता हूँ कैसे। हे गाइस, वेलकम ब्लैक टू ब्लैक, हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ऐसे मतलब बार बार मैं बोलूँ आप लोगों से एक ही व्लॉग में, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप देखोगे भी नहीं। सो शाम के बज रहे, कितना टाइम हो रहा है भाई? शाम के बज रहे 7। मुझे हो रहा है हल्का हल्का सा जुकाम जैसा फीलिंग होती है ना, नाक में कुछ होने लगता है। ये बाल मेरे आपको ऐसे इसलिए दिख रही कि अभी मैं वही छोटी सी नींद लेकर के उठे हैं, सो करके उठे हैं, और अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे। अदरक वाली बढ़िया से अदरक अच्छे से डाली, अदरक वाली चाय पियेंगे और बस अभी तो यही करेंगे, और क्या करना है अभी कुछ। हाँ भाई, मेरे को वीडियो एडिट करना है अभी जाकर के, और फिर उसको अपलोड करना है। तो वीडियो हो गई है एडिट, और जब मैंने एडिट करी तो सारी क्लिप्स लगा कर देख गए, तो सिर्फ 6 मिनट का व्लॉग बनाए। सो बेयर विद इट गाइस, लास्ट व्लॉग बहुत ही छोटा था, ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, ज़्यादा देखा ही नहीं, ना हमने ध्यान दिया। सो छोटी छोटी क्लिप्स थी जो बनी थी वो मैंने डाल दी, यानी होता है कभी कभी छोटे व्लॉग भी आप लोगों को शायद पसंद आए। वॉच इट, अगर अब तक नहीं देखा जा करके देख लेना। इसी के साथ रात के बज गए हैं 8:05। अब मेरी बीवी को आप जब भी देखोगे तो वो फ़ोन पे ही होती है, ठीक है? मेरे को तेरी बातें रिकॉर्ड करने का मज़ा भी नहीं है, मैं तो तेरे को ये दिखाना तो किस तरीके से फ़ोन में लगी रहती है हमेशा। गॉसिपर्स भी इसके साथ, इसके पास लड़के हैं और दोनों कीबोर्डिस्ट हैं। मेरे फ़ोन में जो रिकॉर्ड होता है सब डलता है। तो मैं अभी आ गया हूँ बालकनी में, और बालकनी में बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम सा लग रहा है, हो गया अब तो लग क्या रहा है। और यहाँ पे सबकी किचन इस साइड होती है, बालकनी साइड, एंड सबकी किचन में से अलग अलग खुशबू आ रही है। यही सर्दी के मज़े हैं यार, मतलब अलग अलग तरीके की सब्जियाँ आती हैं, खाना होता है, एंड वी ऑल इन्जॉय विंटर सीजन एक ही होता है। सो मतलब अभी भी खुशबू आ रही है, हर घर से कुछ ना कुछ बन रहा है और अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही साथ हमारे लिए भी साग बन रहा है अभी रात के लिए डिनर। सो टुडे इज सैटरडे, एज यू ऑल नो टुडे सैटरडे इज़ द ईटिंग डे फॉर मी। बस मैं कुछ टाइम से बंद करना चाह रहा हूँ, पर आदत ऐसी लग गई सैटरडे खाना है तो भूख लगी जाती है अपने आप। एनी वेज, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करेंगे, हल्का सा स्ट्रिक्ट करना है मेरे को थोड़ा सा। और जो है साग बन रहा है हमारे लिए, एंड वी विल हैव डिनर विद साग। हम घूम रहे हैं नहीं संत नगर की गली में, तो अजीजों अभी हम जा रहे हैं व्हाइट मक्खन लेने। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज बना है साग, साक्षी की मम्मी ने साग बनाया है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, उन्हीं गली में। वी आर जस्ट गोइंग टू द डेयरी टू गेट व्हाइट मक्खन। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हम रहा करते थे आज से 2 साल पहले ऑन रेंट। ये घर भी बड़ा मस्त था, मज़ेदार घर। अरे सजावटें शुरू हो गई हैं यहाँ पे, दिवाली है ना। तो हमारा मिशन रहा अनसक्सेसफुल, कहीं भी व्हाइट मक्खन नहीं मिला। तो अब कोई नहीं, पीले मक्खन से काम चलाएंगे और घी से ना भाई। व्हाइट मक्खन मिलेगा जो डेली होती है ना प्रॉपर, वहाँ पे फ्रेश बनता है डेली, वहाँ मिलता है। अब यहाँ पे एक अंकल दे रहे, एक हफ्ते पुराना जमा हुआ एकदम, वो बर्फ से व्हाइट हो रखा। हेलो, व्हाइट मक्खन तो एक हफ्ते पुराना दे रहे थे। अरे रहने दो भैया। तो अभी हम आ चुके हैं ब्रदर सागर जी का, मैं सिस्टर सुनीता जी को के घर पे। आज हमारा यहाँ पे डिनर है, डिनर में है हरा साग, हरा ही होता है साग, वैसे सरसों का साग, सरसों का रोटी, वही पहले बोल रहे थे ना हम, सरसों की रोटी और आलू गोभी की सब्जी। ओके, मक्खन यानी व्हाइट पुराना मिल रहा था, नहीं लाए हम लोग। हाँ, तो पीले से काम चलेगा। वो टीवी की आवाज बंद करो, ये देखो टीवी के चस्की, इसलिए नहीं चलाते हम घर में टीवी, मतलब कराते ही नहीं है ठीक।
ठीक ही नहीं कराते टीवी, ये चस्की बैठे रहेंगे। देखो इन्हें, मेरी बहन को दौरे पड़ते बीच बीच में, देखा अभी आपने एक। सो हियर इट इज, हरा साग नारा ही होता है यार, क्या बोले यार, सरसों का साग, आलू गोभी, मक्के की रोटी विद घी, वाइट मक्खन नहीं मिला बस, वाइट मक्खन होता है उसका मूर्थल का, बढ़िया एकदम फ्रेश, मतलब वो मक्खन ऐसा जितना खा लो ना उतना लाइट है, हैवी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मछली लूट, ये खजाना है इनका, और ये लोग देखो लूट लूट। ये तो बैठा, अरे यार बांधो इसे, देखो बावली को अभी से तैयार हो रही है। तूने क्या लिया हाथ, क्या मारा तूने? कमर बंद है, मेरा कमर बंद है, कमर में बंद होता है ये देख, इसका ये गला बंद है। कमर में बंद यार राहुल, ये सब मत डालना प्लीज, सब डल गया है, कमर तो मेरी बहुत बड़ी हो रखी है अभी। कुन्नू तेरी, तेरा गला इसकी कमर के बराबर आ गया। भैया लटकाया था गले में वो, तेरा गला बंद है। देखो 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 ये देखो लूट मछली, पागल लग रही हूँ, और ये डाल भी देंगे मेरी तो सब डलेगा, डल गया ये देखो, ये देख हौका बना कहते हैं इसे, उतर भी नहीं रहा है। हाँ हौका बना कहते हैं ये अपनी ग्रीन ट्री, ग्रीन टी, ग्रीन ट्री। ओके बाय बाय, ओके गाइस, रात के बज रहे 12:15 करीब, नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। और वो क्या है, जा रहा हूँ नीचे कुंडी लगानी है, और पीछे वाला बॉस रोल कर रहा है। हाँ तो अजीज, आज का दिन होता है यहीं पे हमारा खत्म, हम जाएंगे सोने और हम आ चुके अपने घर। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक लेकर प्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, योर लव जॉन।